महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद पवार, मास्टर ब्लास्टर एंड भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर जी, बीसीसीआई में मेरे साथी श्री राजीव शुक्ला, श्री आशीष सेलार, एमसीए के अध्यक्ष श्री अमोल काले, रमतगमन मंत्री महाराष्ट्र और एमसीए के उपाध्यक्ष श्री संजय नायक। आज आप सब जानते हो कि चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी का दिन मतलब गणेश जी का दिन होता है। तो आज गणेश जी के दिन एमसी ने बहुत बड़ा उमदा काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न क्यों कहा जाता है, उसके काफी किस्से है, उसमें से मैं आपको थोड़े किस्से सुनाना चाहता हूँ। 18 मई 1999 सचिन के पिताजी श्री रमेश तेंदुलकर जी का देहांत हो गया, तो सचिन इंग्लैंड में वर्ल्ड कप छोड़ के 19 मई 1999 को वापिस आए। मेरे को बताया गया कि बीसीसीआई में से उनको पूरा बताया गया था कि सारे रिचुअल खत्म करके वो आराम से वर्ल्ड कप में वापस जा सकते हैं। 20 मई 1999 को उनका फ्यूनरल हुआ। तुरंत ही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने देश को परिवार के ऊपर रखा और 21 मई 1999 को वो इंग्लैंड वापस गए और 23 मई 1999 को केन्या के सामने 101 बॉल में 140 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी सेंचुरी अपने पिताजी और देश को समर्पित की। दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि 2007 में वर्ल्ड कप में जो हमारा डिबेकल हुआ, जयशंकर जी ने बताया कि वर्ल्ड कप के डिबेकल के बाद नए कप्तान की बात शुरू हो गई। तब उसके 3 महीने बाद साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप होना था, तो सबसे पहले भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर को कप्तानी ऑफर की गई। उन्होंने परिवार से बातचीत करने के बाद तुरंत मना किया। और उसके आगे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम सजेस्ट करने वाले भी श्री सचिन तेंदुलकर थे और उनकी कप्तानी में हम 2007, 2011 और 2013 तक के 3 आईसीसी ट्रॉफी हम जीते। 2019 से मैं बीसीसीआई का सचिव हूं। मैंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे डिसीजन लिए, लेकिन उसमें भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर के फीडबैक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज मैं इधर आया हूं तो मैं उनके स्टेटिस्टिक की बात भी करना चाहूंगा। उन्होंने 100 सेंचुरियां मारी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक जो किसी को मालूम नहीं है, 0 से लेकर 100 रन तक उन्होंने सिर्फ 58 और 75 रन नहीं लगाए, बाकी सब रन उन्होंने लगा दिए। उन्होंने टेस्ट में 15,921 रन और ओडीआई में 18,426 रन, कुल मिलाकर 34,347 रन लगाए। आप सब जानते हो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 365 दिन होते हैं। मैं आपको और एक डेटा बताना चाहता हूं कि 1 मई के अलावा उन्होंने 364 दिन बैटिंग की। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने 1992 से लेकर 2011 तक 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और आखिरी वर्ल्ड कप में भारत विजेता बना, जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं सेंचुरी की तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया कि आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है क्या, तो सचिन तेंदुलकर ने गर्व से आंसर दिया कि मैं भारतीय क्रिकेटरों का नाम नहीं बताना चाहता, ये 2 क्रिकेटर मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सचिन पाजी का 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। वो 3 चीजों से आज ये पायदान पर है। इधर काफी कोचेस भी बैठे होंगे और काफी पेरेंट्स भी बैठे होंगे। मैं दोनों को एक सलाह देना चाहता हूँ। सबसे पहली सलाह मेरी पेरेंट्स के लिए है कि आपको कभी कभार लगता होगा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जब आपका स्टेटिस्टिक सही हो तो उसका सिलेक्शन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। और कोचों के लिए मेरे को सलाह है कि जिसका भी स्टेटिस्टिक अच्छा हो आप उसको कृपया करके सिलेक्ट कीजिए। अब मैं 2013 की बात करना चाहता हूँ। मैं तो वर्किंग कमेटी का पार्ट था, तो सचिन पाजी ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो एमसीए के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी आखिरी मैच बम्बई में मेरे परिवार के सामने होगी और बीसीसीआई ने नवम्बर महीने में 2013 में वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट सीरीज का आयोजन किया और सचिन ने वहां पे अपना क्रिकेट छोड़ा। फिर से एमसीए ने मेरे को इधर बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।